Hey guys, welcome to another episode of Best Android Apps of the Week. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 बेस्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशंस और डेडिकेटेड ये एपिसोड होने वाला है व्हाट्सएप को लेकर. उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये वीडियो और जितनी भी एप्लीकेशंस मैं आपको बताऊंगा, मैं उम्मीद करता हूं, बल्कि मैं आपको गारंटी देता हूं, इनमें से आप लाजमी कोई ना कोई एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि ये जो ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं ना इस वीडियो में, ये आज से पहले शायद आपको कभी किसी ने ना बताई हो और आपको बिल्कुल उम्मीद ही नहीं होगी कि इस तरह की चीज़ें भी आप अपने व्हाट्सएप में कर सकते हैं. सो गाइज, बगैर किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं. अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को ताकि मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिल सके, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें. और भाई लास्ट वीडियो में टेक्निकल सॉम का कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था. इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा के मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा लिखा था. आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा इनके चैनल पर जाएँ, अगर आपको इनका कॉन्टेंट अच्छा लगे तो इनको सपोर्ट करें, इनको सब्सक्राइब कर लें. और अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए या फिर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम मैं इस वीडियो में लूँ, तो भाई इस वीडियो के नीचे कोई भी एक अच्छा सा कॉमेंट कर दें. आपका कॉमेंट अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं आपका कॉमेंट पिक करूँगा और आने वाली वीडियो में आपका नाम लूँगा. सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो भाई इस वीडियो की सबसे पहली एप्लीकेशन का नाम है हाई ट्रांसलेशन. ये एप्लीकेशन एक डिक्शनरी ऐप है और एक ट्रांसलेटर है, लेकिन इसका व्हाट्सएप में क्या काम, ये इंतहाई यूज़फुल एप्लीकेशन है, ख़ास तौर पे व्हाट्सएप यूज़र्स के लिए. अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि आपका दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपके बॉस, आपके टीचर्स आपको इंग्लिश में कोई मैसेज भेजते हैं और आपको फ़ौरन उसका रिप्लाई करना होता है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही होती, और ये एक बहुत ज़्यादा टायरसम प्रोसेस होता है कि आप उसको कॉपी करें, गूगल में जाएँ, उसकी ट्रांसलेशन चेक करें. तो ये ऐप आपको शॉर्टकट प्रोवाइड कर देती है. इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे, इसको आप कर देंगे टर्न ऑन, उसके बाद आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे एक मार्कर आ जाएगा. इस मार्कर पे क्लिक करते ही आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास का लोगो मिलेगा. इस लोगो को आप जहाँ पे भी ड्रैग करेंगे ना, जिस भी मैसेज पे ड्रैग करेंगे, उसको ट्रांसलेट कर देगा उर्दू में या फिर हिंदी में या फिर जो भी आप ज़बान सिलेक्ट करेंगे. जी हाँ, इसमें आप कोई भी किसी किस्म की ज़बान सिलेक्ट कर सकते हो. आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास मैसेजेस थे इंग्लिश में, मैंने ये ड्रैग करके इंग्लिश पे रखा और ऑटोमेटिकली मेरे मैसेजेस उर्दू में ट्रांसलेट हो गए और मुझे पता चल गया कि सामने वाला बंदा क्या कहना चाह रहा है. तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल एप्लीकेशन है, एक शॉर्टकट के तौर पर हर टाइम आपके फ़ोन में होनी चाहिए. इस वीडियो की सेकेंड एप्लीकेशन का नाम है हाइड व्हाट्सएप नेम, और ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल एप्लीकेशन है. अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी फ्रेंड के साथ चैट कर रहे होते हो ड्यूरिंग ट्रैवल या फिर ड्यूरिंग आपकी फैमिली में जब आप बैठे होते हो, तो आपके साथ बैठे जो लोग हैं ना, वो आपके फ़ोन को देखते रहते हैं बार बार और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप किस बंदे से बात कर रहे हो. आपको चैट का जो नाम है ना, उस बंदे का नाम जो आपने सेव किया होता है, वो छुपाने में ये ऐप बहुत ज़्यादा हेल्प देगी. सिंपल है, इस पे भी एक कर्सर आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे. कर्सर आ जाएगा, कर्सर पे आप जब भी क्लिक करेंगे उस बंदे का नाम हाइड हो जाएगा, चैट नेम हाइड हो जाएगा. एक दफ़ा प्रेस करेंगे, उसके बाद दोबारा प्रेस करेंगे, चैट नेम शो हो जाएगा. तो ये एक मैजिक की तरह ही वर्क करेगा और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी. कभी कभी किसी ना किसी सिचुएशन में आपको ये ऐप ज़रूर हेल्प देगी. उसके बाद इस वीडियो की थर्ड एप्लीकेशन का नाम है भाई व्हाट्सक्रॉपिंग. आप व्हाट्सएप पे फुल डीपी नहीं लगा सकते, आपको उसको पहले एडिट करना पड़ता है एक स्पेसिफिक साइज़ में, उसके बाद आप उसको लगा सकते हैं. अदरवाइज़ आप फुल डीपी नहीं लगा सकते, आपको क्रॉप करके ही लगानी पड़ती है. इस ऐप के ज़रिए आप व्हाट्सएप पे फुल डीपी लगा सकते हो बहुत ज़्यादा आसानी से. सिंपल है, इसमें आपने वो डीपी सिलेक्ट करनी है, उसके बाद व्हाट्सएप में जाना है और आपकी फुल डीपी लग जाएगी. तो ये भी एक तरह से यूज़फुल एप्लीकेशन है, ख़ास तौर पर व्हाट्सएप यूज़र्स के लिए. आज सारी एप्लीकेशंस मैं आपको बता रहा हूँ. इस वीडियो की चौथी एप्लीकेशन का नाम है गिगाएंटिकॉन, और इसके ज़रिए आप व्हाट्सएप का एक बहुत बड़ा आइकन बना सकते हो. और ये यार यूज़फुल तो नहीं है, लेकिन दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और डिफरेंट लगता है, यूनिक लगता है. आपका व्हाट्सएप इतना बड़ा आइकन आपकी स्क्रीन पे आएगा, और सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं, आप किसी भी एप्लीकेशन का अपनी ऐप लिस्ट में जाके किसी भी ऐप का एक बड़ा ह्यूज आइकन बना सकते हो. और ये विजेट्स में आपको शो होंगे, विजेट्स में आपने जाना है, इस ऐप को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपके पास लिस्ट आ जाएगी, फर्दर आप उसी में से आइकन सेट करेंगे. इस वीडियो की पांचवी एप्लीकेशन का नाम है व्हाट्सैगा, और इसके ज़रिए आप व्हाट्सएप पे कोई भी वीडियो 30 सेकंड से ज़्यादा की वीडियो स्टेटस पे लगा सकते हो. सर ऐसा होता है कि आपको कोई वीडियो शेयर करनी होती है व्हाट्सएप पे और वो वीडियो 2 मिनट की होती है. अब व्हाट्सएप पे आपको उस वीडियो को बाय पार्ट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. पहले 30 सेकंड्स का हिस्सा शेयर करेंगे, उसके बाद अगला 30 सेकंड्स, इसी तरह से ये एक बहुत ज़्यादा टायरसम प्रोसेस बन जाता है. तो इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट्सैगा का आप यूज़ कर सकती हो. जब भी आपको कोई बड़ी वीडियो लगानी हो व्हाट्सएप पे, तो आप इसमें वो वीडियो सिलेक्ट करो, उसके बाद आप व्हाट्सएप में जाओ, वहाँ पे आपकी वीडियो लग जाएगी. और आपकी वीडियो अगर 30 सेकंड से ज़्यादा है, तो ये ऑटोमेटिकली उस वीडियो को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देगी और आप सेट कर पाएंगे ऑटोमेटिकली. सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो पसंद आई या फिर कोई भी एप्लीकेशन आपको अपने लिए यूज़फुल लगी, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ज़्यादा आसानी
आसानी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भाई बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ बहुत ज़्यादा टाइम पर मिलती रहें। ओके गाइज, थैंक यू फॉर योर टाइम, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।